नमस्ते दोस्तों जी, हमें हूं जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और आज मैं फिर लेके आया हूं एसडीओ कार्यालय से, जी हां, आई रिपोर्ट पनवेल ग्रामीण की, जी हां, जिसमें उल्वे नोट भी आता है। तो कोविड-19 की आज 22 तारीख को, 22 मई को जो टोटल कोविड-19 की चाचनी हुई है वो है 674, जी हाँ 674। और आज तक पूरी तरह से अच्छे हुए लोग जो हैं वो हैं 119, जी हाँ। और आज तक जो विद्यमान रुग्ण हैं वो हैं 148, और मृत्यु हुए वही पुराने 3 रुग्ण हैं, जी हाँ। और आज तक जो नए रुग्ण आए हैं, पूरी तरह से जो पॉजिटिव रुग्ण हैं, आज के 8 रुग्ण, आज जो मिले हैं वो 8 रुग्ण हैं, उसको मिला के संख्या हो रही है 270। और जिसका की रिजल्ट बाकी है, तपासनी बाकी है, उनका है 57, यानी 57 लोग ऐसे हैं जिनकी की टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आप ऐसे देखेंगे तो जो रुग्णालय में लोग भर्ती हैं, तो उप जिला रुग्णालय पनवेल में 49 लोग हैं, सेवन हिल हॉस्पिटल मुंबई में 2 लोग हैं, एनजीएम हॉस्पिटल कामोटे में 55 लोग हैं, डीवाई पाटिल हॉस्पिटल नेहरून में 3 लोग हैं, हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में 1 है, सायन हॉस्पिटल मुंबई में 2 हैं, कालीना हॉस्पिटल कुर्ला में कोई नहीं है, ईएसआई हॉस्पिटल कांदिवली में 1 है, इंडिया बुल्स कोन में 34 लोग हैं, और विवेकानंद हॉस्पिटल चेंबूर मुंबई में 1 व्यक्ति है, जी हाँ। अब आज के जो 8 नए रुग्ण मिले हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। चिखले तालुका पनवेल में 52 वर्षीय एक व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है, जी हाँ। अभी इसको जो है वो परिवार से ही जो संसर्ग हुआ है। विचुंबे में आकांक्षा बिल्डिंग सी विंग में भी जो है 33 वर्षीय व्यक्ति जो है वो कोविड पॉजिटिव पाया है। ये व्यक्ति की को संसर्ग कैसे हुआ इसके ऊपर चर्चा जारी है, यानी कि सर्च जारी है। कसलखंड में भी 30 वर्षीय व्यक्ति एक व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आया है, और ये व्यक्ति को काम की जगह से ही संसर्ग हुआ है, ऐसा इसकी ट्रेस रिपोर्ट है। पाली देवत सुकापुर में भी 29 वर्षीय एक व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है, और ये व्यक्ति तुर्भे में काम करता था फार्मास्यूटिकल कंपनी में, तो वहीं से इस व्यक्ति को संसर्ग हुआ है। नेरे में भी जो है वो 30 वर्षीय एक व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है। पाली देवत सुकापुर में भी 52 वर्षीय व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आया है, ये मुंबई में काम करता था, तो मुंबई से ही उसको उसके काम की जगह से हुआ है। कारंजा में उरण में 43 वर्षीय एक व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आया है, और ये व्यक्ति जो है वो संसर्ग कैसे हुआ है ये इसका ऊपर ये निष्कर्ष है। और आगे बढ़ते हैं आपके लिए, नागांव तालुका उरण, यहाँ भी 59 वर्षीय एक व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। कोविड पॉजिटिव व्यक्ति संपर्क के आने से इस व्यक्ति को संपर्क संसर्ग हुआ है, ऐसा रिपोर्ट कहती है, जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, आज रुग्णालय तुन डिस्चार्ज जो लोग हुए हैं वो 30 लोग हैं, जी हाँ। तो उल्वे में फिर से मोरेश्वर निवास प्लॉट 22 सेक्टर 10 में था जो 36 वर्षीय एक व्यक्ति है, उसको सेवन हिल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे दिया गया। उल्वे में स्वास्तिक आदिनाथ हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 8 से भी डिस्चार्ज 33 वर्षीय व्यक्ति को मिल गया है। कारंजड़े में जय शिव शंकर प्लॉट नंबर 26 में भी एक 36 वर्षीय व्यक्ति, एक 14 वर्षीय और एक दो व्यक्ति को जो है वो एमजीएम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका है। पाली देवत सुकापुर में भी ऐसे ही डिस्चार्ज मिल चुका है। कोन में जो है वो एक 36 वर्षीय व्यक्ति को डिस्चार्ज मिल चुका है उप जिला रुग्णालय से। अमरोली में ग्रीन रिवर साइड तालुका पनवेल में 33 वर्षीय, 32 वर्षीय, 5 वर्षीय और 59 वर्षीय मिला के 4 लोगों को जो है वो डिस्चार्ज मिल चुका है, जी हाँ। पाली देवत सुकापुर में भी 53 वर्षीय एक व्यक्ति को डिस्चार्ज मिल चुका है। कारंजरे में भी एक 34 वर्षीय व्यक्ति, 42 वर्षीय व्यक्ति, 33 वर्षीय व्यक्ति, 24 वर्षीय व्यक्ति और 25 वर्षीय, 33 वर्षीय वो 3 वर्षीय, ऐसे 7 लोगों को एमजीएम हॉस्पिटल कामोटे से आज डिस्चार्ज मिल चुका है, जी हाँ। तो ऐसे पूरा यदि लिस्ट देखा जाए तो काफी लोगों को आज डिस्चार्ज मिला है। और
अब बात यही है कि आज जो है वो उलवे में कोई पॉजिटिव नहीं पाया गया, तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी खबर है कि उलवे प्रगति की ओर है, उलवे नोड प्रगति की ओर है, पनवेल ग्रामीण प्रगति की ओर है। तो हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद, जय नमस्कार भारत। दोस्तों। जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और यदि आपको पत्रकारिता चाहिए, चाटुकारिता नहीं चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का लाल बटन दबाइए और घंटी का बेल ऑन कीजिए।